وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکینا قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال ماہ رمضان آیا اور اپنی برکات تقسیم کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے حصے دی برکات وصول کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس دفعہ کرونا دی وبا نے پورے عالم اسلام دے ذوق نو تباہ کر دیتا، ہر مین بند ہو گئے، مسجداں بند نے، مزارات بند نے، مسلمان انتہائی پریشان نے، تاہم ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جڑے اجے بھی اسے اللہ دے دروازے تے جک جک کے زاریاں کر رہے ہیں اور التجاواں کر رہے ہیں۔ کرونا نو اسی عذاب تے نہیں کہہ سکتے، مگر ایک وبا ہے، شامت اعمال ہے، ساڈے برے اعمال دی سانو سزا مل رہی ہے، کیونکہ امت مصطفیٰ تے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ مشرکاں نے، کافراں نے بیت اللہ شریف دی دیوار نو پکڑ کے، غلاف کعبہ نو پکڑ کے اپنے واسطے رب کو عذاب منگیا۔ انہاں دی جرت دیکھو، دلیری دیکھو، کیسے بد نصیب نے، کہندے نے یا اللہ، اللہم ان کان ھذا و الحق من عندک، اے اللہ اگر اے قرآن حق ہے، تیرا نبی حق ہے، اسی پھر بھی نہیں منتے۔ یعنی انہاں دی بدبختی دی انتہا، اے کہندے نے حق کہتا بھی نہیں منتے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یہ پہلے جملے تے میں دعوت فکر دینا ہے کہ اے
ये अपने वास्ते अजाब किन्हां ने मंगिया? काफिरां ने। और काबे शरीफ की दीवार नू पकड़े के या गिलाफे काबा नू थाम के ते उन्होंने ये बद्दुआ की, मगर उन्होंने लफ्ज कुरान ने जिहड़े बयान किए ने, कुरान कहिंदा उन्होंने आखिया अल्लाहुम्मा या अल्लाह हैं काफिर, मगर या अल्लाह कह रहे ने, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। मैं कहने जो अल्लाह मनते ने फिर काफिर क्यों ने? या अल्लाह तेनू ते पुकार रहे ने, या अल्लाह कह रहे ने, अल्लाहुम्मा कह रहे ने, ते फिर काफिर क्यों? फरमाया ईमान ते मैं यार दिया कदम च रखिया होया है ना, मैनू मनते ने, यार नू जे नहीं मनते। काफिरां ने अपने वास्ते अजाब मंगिया। अगर कोई सिर्फ या अल्लाह कहता या रसूल्ला नहीं कहता तो देखना पवेगा भाई कोई ईमान भी है कि नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह ने मुहम्मद रसूल्ला विच रखे है। सारी जिंदगी बंदा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मुहम्मद रसूल्ला नहीं पढ़ेगा तो काफिर का काफिर होके मरेगा। मोमिन उदो ही होगा जो आखेगा मुहम्मद रसूल्ला। उन्हें की आखिया اللهم ان كان هذا بلاغ يا الله اگر سچے حق ہے تب ہی اسی نہیں مندے تو ایسا کر فامطر علينا حجارة من السماء या अल्लाह साडे ते आसमान तो पत्थर बरसा फाम तेरा लैना हिजारा तम मिन समा साडे ते पत्थरां दी बारिश कर असी नहीं मन्ने ना तेरा कुरान मन्ने ना तेरे नबी मन हर किता भी नहीं मन्दे फाम तेरा लैना हिजारा तम मिन समाए अवे तेना बेअजा बिनली या अल्लाह या कोई दर्दनाक अजाब भेज दे सानू अजाब दे नहीं मनते अस अल्लाह बोल इहदा जवाब अल्लाह ने उन्हां नू नहीं दिता तो ती यार दे दुश्मन नाल गल की करनी जा जिबरीला यार नू जा के कह मेरे अदीब तेरे दुश्मन मेरे को अजाब मंगते ने मेरी ताकत में कोई कमी नहीं मैं वो ही हां जिन्हें सूर बनाए बंदर बनाए पत्थर दिया बारिशा कीतिया खून का अजाब पानी का अजाब हर किस्म का अजाब मेरे कोल है मैं अला भुले शैन कदीर हाँ पर सजना मेरा ऐलान सुन ले मां कान ला हो ले यो अज्जे बहुम वान तफीहिम तू इना बिचे मैं और अजाब नहीं भेजा मां कान अल्लाह ले यो अज्जे बहुम बहान तफीम सजना तू जे ना विच मौजूद है तू ही होवे ते अजाब भेजा एते दोस्ती दे असूलां दे खिलाफ ए बच्चे फिरदे ने ते तेरे सदके अल्लाह करम सब पर है कोई हो कहीं हो करम सब पर है कोई हो कहीं हो करम सब पर है कोई हो इंसान होन ऐवान होन फरिश्ते होन जिन होन
खाकियों नूरियों जलालियों जमालियों करम सब पर है कोई हो अमेरिका च होवे बरतानिया च होवे रशिया च होवे हिंदुस्तान च होवे भावे कब्रिस्तान में होवे करम सब पर है कोई हो करम सब पर है कोई हो कहीं हो मदीने वाले का तुम ऐसे रहमतुल आलमियों तुम ऐसे रहमतुल तुम ऐसे रहमतुल करम सब पर है कोई हो कई हो गोरा नहीं वेहदा काला नहीं वेहदा अमीर नहीं वेहदा गरीब नहीं वेहदा गुनागार नहीं वेहदा सियाकार नहीं वेखदा करम सब पर है कोई हो कई हो तुम ऐसे रहमतुल तुम ऐसे रहमतुल मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वअंता फीहिम मेरे महबूब तू इन मौजूद है मैं उन शक्लां नहीं बिगाड़ांगा मैं उन पत्थर नहीं बरसावांगा मैं अजाब नहीं भेजांगा एक कुरान दी आयत पुकार पुकार के कह रही है अजाब ते नहीं आएगा पर सानू ये तंबियां हो रही ने जो कराने ना ये धमकी है मैं कर सकना मैं चाहवा तो एक लम्हे कुछ ना कुछ कर सकना हूँ भी मेरे दर से झुक जाओ मेरे बन जाओ मैं तुहाडे वास्ते किरम के दरवाजे खोले ने मैं तुहाडे वास्ते नेमत बनाई हुई ने किहड़े खाते लग गए हो किहड़े पासे जा रहे हो तुहानूं पता नहीं मैं तुहाडे वास्ते की नेमत तैयार की मैं तुहाडे वास्ते जन्नत दे बागात बनाए तरह तरह के फल बनाए पूरा रखिया गिलमान रखे बागात रखे चश्मा चश्मे रखे नहरा शहद दिया दुध दिया शराबन तौरा दिया अल्लाह फरमांदा बहुत बड़ी जन्नत बनाई है तो मैं बना के मोमिना दे ना अलाट कर दी अल्लाह अकबर वसारियू इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुस समावात वल अर्द उद्दत लिल मुत्तकीन अल्लाह अकबर अल्लाह फरमांदा है एडी वड्डी जन्नत बना के मोमिनो मैं तो तुहाडे नाल अलर्ट कर दीती है मैं तो तुहाडे वास्ते जन्नत बनाई है तुसी जन्म दे रस्ते जांदे क्यों तुसी मेरे इनामात भुल गए हो आ जाओ मेरे बूहे ते आ जाओ तो खैर मैं दूर निकलिया अर्ज कर रहा सां हजूर दे सदके सानू अजाब नहीं होएगा साढ़े ते आजमाशा आन गईआं इम्तिहान आन गए और आ रहे ने इस तो बड़ा की इम्तिहान है कि मस्जिदां बंद हो गई हरम शरीफ बंद हो गया काबे दीआं रौनकां खत्म हो गई मस्जिद हजूर नूं दरूदां दी कमी कोई नहीं उत्थे 70,000 फरिश्ता सुबह आके पढ़ रहे हैं 70,000 शामी आके पढ़ रहे हैं मदीने वाले नूं दरूदां दी की कमी है असीं मदीने नहीं जा सकते पर इत्थे बह के रोज़ दरूलां दीआं डालियां ते भेज रहे ना हजूर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा मगर साडी बदनसीबी है कि असीं उन्हां नज़ारियां तो महरूम रह गए उस बरकत तो महरूम रह गए वो जिहड़ी 1,00,000 नेकी उत्थे मिलदी सी ना एक दे बदले वो उस तो महरूम हो गए अल्लाह मुसलमानां दे हाल ते रहम करे हज़रत मोहतरम चूंकि 21 रमज़ान नूं हज़रत मौला अली करम अल्लाह तआला वजल करीम नबी दा वीर अली मोमिना दा अमीर अली सहाबा दा मशीर अली और सच कहां असा सुनिया दा पीर अली साडे बंग पीर वाले नूं अली दा की तल लगे चरसी नूं अली नाल की तल लगे शराब पीन वाले का रबता की अली नाल अली की आमद मस्जिद में होई है कि जाना भी मस्जिद में होया है विलादत काबे में होई है शहादत मस्जिद होई है अली ने दस दिता है जिहड़ा मेरा वह तलक मस्जिद नाल ही होगा
इकबाल ने किया सी, कसेरा मुयसर न शुद ई सादत, बक्का बा विलादत ब मस्जिद शहादत। इस दुनिया से यह सादत किसे ने हिस्से च नहीं आई कि विलादत काबे च होई है और शहादत मस्जिद। बक्का बा विलादत ब मस्जिद शहादत। अल्लामा साहिब चिश्ती अल्लाह उन्होंने कबर से करोड़ा रहमत नाजल करे, साहब साहब ने बड़े पते की कुरबाई लिखी, कहते ने बसत तलाश न कुछ वसत नजर से मिला, बसत तलाश न कुछ वसत नजर से मिला, निशान मंजिल मकसूद राह भर से मिला, अली मिले तो हमें खाना खुदा से मिले, अली मिले तो हमें खाना खुदा से मिले, खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला, सानू तो खुदा भी अली के घरों मिले, सानू तो अली के घराने दसे कि खुदा है, असि मन बैठे हैं खुदा है, अली के घर तो पता लगे जन्नत है, ऐसा मन गया है, उन्हें आखिया जन्म है, असि मन नहीं बैठे। हजरत खुजैमा अंसारी किधरे जा रहे सन, नबी करीम एक जगह से खलोते हुए तो सलाम वास्ते हाजिर हो गए, आकर क्यों खलोते हो? हजूर ने फरमाया जरा घोड़े का सौदा किया तो यह हूँ इनकार पिया कर दिया कि सौदा नहीं होया, तो मैं सौदा किया तो हूँ मैनू कहें कोई गवाह लियाओ। खुजैमा ने आख्या गवाह मंगता, मैं गवाही देना ना, आका तुसा सौदा किया। वो ईमान हो सियाबा वाला हो। रहमत आलम ने फरमाया खुजैमा की पिया कहना, जो तो सौदा होया तू मौजूद नहीं सी, तू सौदा होंदया वेख्या नहीं, तू गुफ्तगू नहीं सुनी, तू मौके ते मौजूद नहीं सी, ते सौदा दी गवाही पिया देना। खुदामा ने आख्या मदीने वाले असा थोड़ी जबान ते बगैर वेख्या खुदा मनी बैठे घोड़ा की शै, असा को खुदा वेख्या, तुसा आखिया खुदा असी मन गए, तुसा आखिया जन्नत असी मन गया, तुसा आखिया फरिश्ते असी मन गए। जिस जुबान से बंदा खुदा मनता है घोड़ा ना मने। रहमत आलम ने फरमाया आप मुहम्मद दे सीने लग जा, रब का कानून ते वे ना जिथे मरना की गवाही होवे ते दो मर्द गवाही होनी चाहिए ने। खुदा मांगती हम मत तक जिथे तेरी गवाही होगी दूजे की जरूरत ही नहीं होगी। अल्लाह ये इज्जत मिली रसूल अल्लाह के दरवाजे तो। हजरत मौला अली शेरे खुदा सानू किथे मिले? खुदा दे घर च। क्या मंजर होगा यार, चश्मे तसवर नाल कभी वेखो ना। अज काबे दे सजे खबे हजूम है आशकां दा, बड़े बड़े कबाइल तवाफ कर रहे ने। एक ईद का समा है, उन्हां तवाफ करन वालियां विच चादर विच लिपटी हजरत फातिमा बिनती असद हैदरे करार दी अम्मी भी मौजूद ने। अचानक दर्द-ए-ज़े शुरू हो गया, बच्ची बच्चे की विलादत के आसार जाहिर होए, अखां विच आंसू आ गए। मेरे मालिका रुसवा ना करें, इतनी दुनिया मौजूद है, या अल्लाह बच्ची बच्चा पैदा होने वाला है, मेहरबानी करी इतनी तौफीक दे दे मैं घर चली जावां। गैब जो मिट्टी मिट्टी आवाज आई फातिमा तेरा घर दूर है मेरा हाजिर है। अल्लाह रो के आखिया सोहणिया रब्बा, बच्ची बच्चा पैदा होने का वेला ते औरतों की नापाकी का वेला होंदा, तेरा घर यह ते बैतुल है। गैब चो आवाज आई तू अंदर आ जा, ये बैतुल्ला ते आन वाला भी असदुल्ला है। अल्लाहु अकबर। अच्छा मालिक मैनु मोहलत दे दे कि मैं चक्कर काट के ना ते दरवाजे चो अंदर दाखिल हो लवां। गैब चो आवाज आउंदी है असा तेन की तकलीफ देनी है, घर साडा अपना सी दीवार ही शक कर दें। काबे की दीवार शक हुई, माई साहब अंदर कदम रखिया, हैदरे करार तशरीफ लिया, मां वेख के कुर्बान हो गई, रब ने कैसा सोहना पुत्र दिता है।
हाथ बड़े सोने, नक बड़ा सोना है, लब बड़े सोने ने, पेशानी बड़ी कुशादा है, बड़ा सोना पुत्र है, पर अखा नहीं खोलता। ठंडा जिहा साह लैके आखिया, अखा मालक इन्हां तों नाबीना पुत्र दिते, मैं तेरी रजा ते राजी। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर तो बाद हैदर करार नूं चादर विच लपेट के काबे चो निकलियां, इधरों काबे चो अली निकले, उधरों घर चो नबी निकले, इधरों बलियां दा इमाम जा रहे है, उधरों नबियां दा इमाम आ रहे है। रस्ते च मुलाकात हो गई। इमाम उल अंबिया ने फरमाया, अम्मा एक की चाया जे। हैदर करार दी अम्मी नू नबी पाक ने चाची कदे नहीं सी किया, क्योंकि बचपन तो ना मां बन के पालिया और दसिया कि किस तरह मावां बनदियां ने। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह ने उन्हां नू अम्मी आखिया, चाची नहीं आखिया। अम्मी एक ही चुकिया जी, बेटा मुहम्मद रब ने तेनू भाई अता किया। अच्छा, जरा मैनू दिखाओ, मैं अपना वीर वेखा। अखां विच आंसू आ गए, रो के किया, पुत्र की वेखेगा, भाई ते तेरा है बगर नाबीना। फरमाया जरा दिखाओ ते सही, नाबीना तां वी है ते भाई ना। रसूलुल्लाह ने चुक लिया, एक पत्थर गली च पिया सी, पत्थर ते बैठ गए, अपनी गोद विच अली नू रखिया। नबी करीम ने चेहरे तो लुआबे, चेहरे तो कपड़ा हटाया, कपड़ा हटा के अपनी उंगले शहादत नाल लुआबे दान ला के अली दी अखां ते लाई। इधर आगोश की हसरत, उधर दीदार कारमा, इधर आगोश की हसरत, उधर दीदार कारमा। अली ने खोल दी आंखें, नबी ने गोद फैलाई। हैदर करार ने रसूलुल्लाह नू वेखना शुरू किया। वक्त गुजरता गया, एक बारी नबी पाक ने पूछया, अली जी आका, लब ते तेरी मां ने भी लाई सी ते तू अखां ना खोलियां, ते अखां तेरी अम्मी ने भी मलियां ते अखां ना खोलियां, ते मैं लब लांदा गया तू अखां खोल के वेखना शुरू कर दिता। हैदर करार ने आखिया, कमली वाले हो, कसम है मैं मां दे पेट चो तहिया करके आया सा, अख तां खोलनी है जे सामने तुसीं आओ। पहला नाश्ता ही मैं थोड़े दीदार दा करना चाहता। अल्लाह हैदर करार ने कियामत तक नबी दी उम्मत नू एक सबक दे दिता है, एक सबक याद करा दिता है कि दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। ये दिल अल्लाह ने याद वास्ते बनाया है, जुबान दिती है, सोने दियां नातां पढ़ो। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार। सब बोलो, अखियां बनाइया सोने दे, अखियां बनाइया सोने दे, बोलो अखियां बनाया। ये अपना अपना मुकद्दर, अपना अपना नसीबा, अपनी अपनी किस्मत, मुसलमाना तारीख दे सफे उल्ट ये लब जेड़ी हैदर करार दी अखां ते लगाई जा रही है, कसम है पैदा करने वाले दी, यही उंगली थी, यही लब थी, यही लब लगाने वाला लब ला के सिद्दीक दियां पैरों ते पिया लगता है। अल्लाह अकबर। की नहीं कीता यार ने एक यार, सब बोलो की नहीं कीता, की नहीं कीता यार ने एक यार वास्ते, रब मैं फलां सजाइयां ने सरकार।
गूंज पै जाए रब मैं फला खुदा दी कसम मेरा अकीदा हजरत मौला अली दी रूह महफल में जलवा गारे बाबा अली अपने बच्चे दियां बातां पिया सुनदा मेरा दादा मेरे सिर ते बैठा अगर ओ नहीं ते मेरी आवाज ते उठे जरूर जा रही है की किने कीता यार ने मैं किसी आम बंदे की गल नहीं कर रहा मैं उस अजीम अली की बात कर रहा जिन्हों नबी पाक ने फरमाया अना मदीना तो ले में वाली जुन बाग हुआ मैं इलम का शहर हाँ ते अली उस शहर का दरवाजा है मैं इलम का शहर हाँ ते अली उस शहर का दरवाजा है अली उस शहर का दरवाजा ते जेड़ा किसी शहर में दाखिल होंदा है वह दरवाजे च दो बारी लंघदा है एक जानिया भी आंदियां भी कियामत तक अली जेड़ा नबी को लाएगा दो बारी तेनू सलाम करना पवेगा अना मदीना तुल इल्मे वाली युन बाबुआ अल्लाह साहिब रियाजो नजरा ने लिखे एक बार हजरत मौला अली दी बारगाह जिबरील आ गए इम्तिहान लैण वास्ते फरिश्तियां दा सरदार ते लिबास बदल के ते हजरत मौला अली दे सामने या अली तुसी बाबे मदीनतुल इलम हो हजूर ने फरमाया ये इलम दे शहर दा दरवाजा है फरमाया हजूर ने फरमाया बिल्कुल ठीक है अच्छा अल्लाह ने थोनू बड़ा इलम अता कीता अच्छा अली ये दसो कि इस वक्त जिबरील किथे जिबरील आप इम्तिहान पे हले जिबरील किथे हैदर करार ने अंज वेखिया फिर अंज इधर सामने मुड़ के पिछे हर पासे वेख के फरमाया मैं जग दा कोना कोना छाणे है किधरे नजर नहीं आया तू ही जिबरील हां ये साडे बाबे अली दी शान है ये मर्तबा है हजरत मौला अली करम अल्लाह ताला वजह इहो लोग ने जिन्हां दी अजमतां नूं कुरान ने बयान कीता हजरत मौला अली शेरे खुदा नमाज पढ़ रहे अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल्ला इबन मुबारक नबी पाक दे सहाबी ने हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास हजूर दे चचा दे बेटे ने और एक और सहाबी ने वो कहंदे ने असां वेखिया कि मस्जिद नबी च हैदर करार नमाज पढ़ रहे बंदे अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे कोई नफल पढ़ रहे कोई सुनता पढ़ रहे हैदर करार नमाज पढ़ रहे एक फकीर आ गया ते फकीर ने आके किया ये अल्लाह दे रसूल दी मस्जिद है ते मैनू अल्लाह दे नां ते कुछ दियो हुण सारे नमाज नहीं लगन उतने सी पता पर नमाज पढ़दे अपने बंदा कोई गल नहीं कर सकता ये सारे नमाज ही च ने ते कहंदा मैनू अल्लाह दे नां ते कुछ दियो ते किसे कुछ भी ना दिता ते ओह कहण लगा या अल्लाह तू गवाह हो जा मैं तेरे रसूल दी मस्जिद भी सवार कीता ते मैनू किसे दिता कुछ नहीं ते हजरत मौला अली शेर खुदा उस वक्त रकूच सन रकूच ही सन सुभान रब्बी अल अज़ीम जदों ने आखिया ना तू गवाह हो जा मैनू किसे कुछ नहीं दिता हैदर करार ने जोर नाल पढ़िया सुभान रब्बी अल अज़ीम मंगते दी नजर हजरत अली वल गई ते आपने रकू विच ही ना अपनी उंगली का इशारा किया नाराज ना हो इतों कदे कोई खाली नहीं गया मेरी अंगूठी ला लै मंगते ने दौराने नमाज आप दी अंगूठी उतार ली और लैके चला गया हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहंदे ने मैं रसूलुल्लाह नूं अर्ज़ कीती भी या रसूलुल्लाह मैं अपनी अखां नाल देखिया अली ने नमाज पढ़ दिया खैरात कर दी अली ने नमाज पढ़ दिया अल्लाह दे रस्ते खैरात कीती ए शान है मैं गवाह हजरत मौला अली शेरे खुदा दा अल्लाह ने की फरमाया अल्लाह इन्हां दी अदावां ते अल्लाह कुरान दी आयतां बनांदा है अल्लाह फरमांदा है इन्नमा वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु तुहाडे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उहदा रसूल
والذین آمنوا اور مومن کہے مومن الذین یقیمون الصلاۃ وہ مومن جڑے نماز پڑھتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور زکات دیندے نے وہم راکعون سبحان اللہ جدو اللہ دے در تے جھکے ہوندے نے تے چکیاں بھی اللہ دے رستے خیرات دیندے نے اور زکات دیندے نے انہاں دی شان وچ قرآن پیا بولدا ہے اللہ اکبر کتاباں چوندا حضرت حسنین کریمین بیمار ہو گئے تے نبی کریم پوچھن واسطے آئے تے آپ نے فرمایا علی فاطمہ جی کوئی منت منو نظر منو کہ اسی اتنے نفل پڑھاں گے یا روزے رکھاں گے اللہ نے بچیاں نو شفا دیتی اللہ شفا دے دے گا اس حدیث تو معلوم ہو گیا یہ نظر مننا بھی نبی کریم دے حکم دیتا ہے جائز ہے اور یہ بڑے فائدے ہیں ورنہ حضور نہ فرماؤں حیدر اقرار نے منت منی کہ اللہ میرے بچیاں نو صحت دے وے تے میں تین روزے رکھاں گا تے خاتون جنت نے آکے خالی تواڈے پتر تے نہیں میرے بھی ہیں میں بھی تین روزے رکھاں گا تے آپ دی دائی حضرت فضا انہیں آکے میں اس گھر دے ٹکڑے کر دینے میں بھی تین روزے رکھاں گا تے گھر تے اللہ دا نام ہے روزہ رکھ لیا حضرت مولا علی شمون یہودی کل جا کے نا کچھ جو ادارے لے کے آئے فاطمہ زہرا نو فرمایا اے لے تے اے روزے دا انتظام کر لگو مائی صاحبہ نے کچھ جو پیسے تے اے پانچ روٹیاں بنائی کیونکہ شہزادے ٹھیک ہو گئے سن تے انہاں آکھیا اسی بھی روزہ رکھاں گے پانچ روٹیاں دسترخوان بچ گیا روٹیاں رکھ دیتی گئی انتظار کے مسجد نبوی چو بلال مغرب دی اذان آکے نا تے روزے کھولیے کیا نوری جماعت ہوئے گی یار دسترخوان تے بیٹھے نے انتظار ہے اذان دی حضرت بلال دی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اچانک حیدر اقرار دے دروازے تے دستو کوئی آلی مسکینہ کئیاں دنہ دا بکھا وا مینو پانچ روٹیاں چاہی دیاں نے مسکینا حیدر اقرار نے اپنی روٹی اٹھا کے فرمایا حسن بیٹا اے جا مسکین نو دیا میرے بوئے تو کدے کوئی خالی نہیں گیا سیدہ فاطمہ نے آکیا میرے سرتاج انہیں ایک نہیں انہیں پانچ منگیاں ساریاں دیا پانی نہ روزہ کھول لینے پانچ دیاں پانچ روٹیاں مسکین دے حوالے کیتیاں تے مائی صاحبہ نے راتی پھر جاؤ پیسے تے صبح روزہ رکھ لیا دوسرے دن پھر بیٹھیاں تے روٹیاں سامنے پئیاں اذان دی آواز یوں ہی آئی تے نال ہی آواز آئی میں یتیم ہاں مینوں پانچ روٹیاں چاہیے انہاں ساریاں چکے او یارو ویسے اللہ دے رستے ایک دو روٹیاں دینیاں یہ کوئی ایڈی وڈی گل نہیں لیکن ہون ٹوٹل روٹیاں اتنی ہیں تے روزے بھی ہون کیا اس گھرانے دا کیا کہنا ساریاں روٹیاں دیتیاں پھر پانی نال افطار کر لیا تیسرا روزہ کھولن واسطے بیٹھے تے پھر آواز آئی یا علی بڑا نام سن کے آیا ہے میں اسیر ہاں قیدیاں روٹیاں پنچائی دیاں نے اللہ اکبر امام حسن نے فرمایا جا پترا دے کے آ حضرت امام حسن نے وہ روٹیاں بھی لئیاں دروازے تے آ جدو دروازے تے پہنچے ہاں بھائی سائل جوڑی اگے کر انہیں جوڑی اگے کیتی تے امام حسن نے ویکھیا اور پہلیاں دس روٹیاں بھی جھولی چ پئیاں سن آپ نے فرمایا تو عجیب منگتا ہے یہ وہی روٹیاں نے جڑی میری ماں نے پکائیاں پنج پرسوں دتیاں پنج کل دتیاں اج تو پھر آ گیا ہے تو ہے کون ہے
ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਸਕੀਨ ਕਹਿਲਾਨਾ, ਕਦੇ ਯਤੀਮ ਕਹਿਲਾਨਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਰ ਕਹਿਲਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਏ ਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੇ। ਏ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਸਕੀਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਸੀਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਸਕੀਨ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਸੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਹੁਲ ਅਮੀਨ ਆ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਨਾ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਸਰਵਰ ਆਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਦ ਰਵਾਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਸਮ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਗਏ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚ ਜ਼ਹਰਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਸੀ ਬੇਟੀ, ਨਕਾਤ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਏ, ਥਰਥਰਾ ਰਹੀ ਏ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਚ। ਵਈ ਉਤੇ ਮੂਨਤਾ ਮਾਲਾ ਹੁਬੇਹੀ ਮਿਸਕੀਨੰ ਵਯਤੀਮੰ ਵਾਸੀਰਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਵਕਾਰ ਉਸੀ ਘਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਵਕਾਰ ਭੇਜੂ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਪੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਨਤ ਹੈ ਨਸੀਰ, ਭੇਜੂ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਪੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਨਤ ਹੈ ਨਸੀਰ, ਯੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਯੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਨੂਰ ਦੀਦਾ ਏ ਹੈਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਅਸ਼ਰ ਵੋ ਸਾਕੀਏ ਕੌਸਰ, ਰੋਜ਼ੇ ਅਸ਼ਰ ਵੋ ਸਾਕੀਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਮਦਾਰ ਜਨਾਬ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਰਬਾਰ ਬਰੀ ਇਮਾਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਖਤੀਬ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਨਸੀਰਉਦੀਨ ਨਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਮਨਕਬਤ ਲਿਖੀ ਔਰ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਮੀ, ਆਪ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਬ ਸ਼ਾਨ ਹੱਕ ਸੇ
है पाई अली ने। सब बोलो अजब शान हक से, अजब शान हक से के बज़्मे तरीकत सजाई अली ने, के बज़्मे तरीकत नबी की मोहब्बत में उर्बा असर की। रसूलल्लाह गोद विच ने हैदरे करार दिया नजरां नबी पाक दे चेहरे ते ने, सूरज डुबदा डुबदा डुब गया पर अली ने रसूल नू जगाया नहीं। नबी की मोहब्बत में कुर्बा असर की, ना कुन के रुख से हटाई अली ने, ना कुन के रुख से वो हिजरत की शब जां की बाजी लगा कर। हिजरत वाली राती नबी दे बिस्तर ते सोना है, मौत दे बिस्तर ते सोना सी। नंगियां तलवारां लैके नबी दे कतल दा इरादा लैके मुहासरा करके खलोते ने, पर नबी ने फरमाया अली ए मेरी चादर ही, ए काफरां दियां अमानतां नहीं, ए मेरा बिस्तर ही, चादर तान के सो जा, सुबह काफरां नूं अमानतां दे के तू भी मेरे पीछे आ जाई। उस दिन हैदर इकरार फरमांदे ने इतनी नींदर जिंदगी च नहीं आई जितनी उस राती आई है। या अली दुश्मन तलवारां लैके खलोते ने, तुसी कहंदे हो नींदर आई है, फरमाया नबी दा हुक्म नहीं हो सुनिया, अमानतां दे के वापस मदीने आवी, जब तक मदीने नहीं जांदा मौत दी जरूरत की है मेरे करीब आवे। वो हिजरत की शब जां की बाजी लगा कर, ये रस्मे वफा भी निभाई अली ने, ये रस्मे हर एक जंग में, हर एक जंग में दीन के दुश्मनों की जमात जहन्नम पहुंचाई अली ने। मुहिब उनका पाए वलायत का दर्जा, मुहिब उनका पाए वलायत का दर्जा, वो शाने फजीलत है पाई अली ने। हुसैन अकबर असगर तो अब्बास ओ कासिम, कमाई ये दीन पे लुटाई अली ने, कमाई ये दीन पे लुटाई। मुसीबत में जब भी फंसा हूं मैं सैयद, मुसीबत में जब भी फंसा हूं मैं सैयद, मेरी जान हर दम छुड़ाई अली ने, बोलो मेरी जान हर दम, मेरी जान हर दम। अल्हम्दुलिल्लाह असी आले सुन्नत हाँ, और साडा अकीदा नबी करीम दा सारा घराना ही शान वाला है, अजमतां वाला रिफतां वाला, हजूर दे बाग दा हर फुल ही निराला है। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, कोई नबी नहीं बन सकता जब तक के कमली वाले दी मोर ना होवे, कोई वली नहीं बन सकता जब तक हैदर करार दी मोर ना होवे। अल्लाह ने ये अजमतां अता फरमाइया। हजूर ने फरमाया अली अंत मिनी व आना मिन का, तू मेरे विचों है ते मैं तेरे विचों। हजूर फरमाते ने मैं और अली आदम अलैहिस्सलाम दी पैदाइश तो 14,000 साल पहले अल्लाह के दरबार में मौजूद स। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो 14,000 साल पहले मैं और अली मौजूद स। फिर अल्लाह ने उस नूर के दो हिस्से किए, एक विचों मुहम्मद बनाया, एक विचों अली बनाया। अल्लाह मेरी थोड़ी हाजरी कबूल करे, खुदा इस मस्जिद को आबाद रखे, अल्लाह ताला इस करोना वायरस और दीगर बीमारियों तो उम्मत को महफूज रखे।
ईद तक अल्लाह ताला सारियां रौनकां बहाल कर दे, हरमैन दियां रौनकां, मसाजिद दियां।